ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाए तो आपको कैसे उसको निकालना है, यानी कि जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है और क्या बहुत खास संबंध है, क्या सिमिलर है। तो दोस्तों आज जैसा कि हमने बताया था, साधारण ब्याज जो 1 साल पर हम निकाल लेते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज भी 1 साल पर निकाल सकते हैं, लेकिन 1 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है और 1 साल का साधारण ब्याज होता है वो बिल्कुल सेम होता है, यानी कि सेम होगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि साधारण ब्याज में 1 साल, 2 साल, 3 साल हमेशा ब्याज का जो अंतर होगा बराबर बना रहता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो हमेशा बढ़ता रहता है। यानी कि मान लीजिए पहले साल 400 रुपये था तो दूसरे साल 450, फिर 450 ज़्यादा तीसरे साल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि ये आपको अंतर है कि इनके जो इंटरेस्ट होगा वो हमेशा अलग अलग होगा, लेकिन 1 साल का साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी सेम होगा। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर 3,650 रुपये हम लेकर चलते हैं और 10% आपका 10% 10 है, तो यहाँ पर क्या आपने अगर देखा होगा तो बहुत ही तुरंत आपके दिमाग में एक क्लिक आया होगा कैसे हम साधारण ब्याज निकालते हैं। तो आपको हमने बताया था कि जितना अमाउंट होगा उसको तुरंत किससे गुणा करेंगे, प्रतिशत यानी कि जितना होगा, और 100 से तुरंत हम भाग करेंगे। और जैसे हम भाग करेंगे तो जितना आपके पास आएगा वो 1 ईयर का क्या हो जाएगा, 1 ईयर का क्या हो जाएगा, ब्याज इंटरेस्ट। तो 1 साल का आपको ब्याज पता चल गया, 1 साल का मतलब 365 दिन का आपको ब्याज पता चल गया। अब यहाँ से 1 दिन का जब ब्याज 1 साल का पता चल गया तो 1 दिन का भी पता कर सकते हैं, फिर 2 दिन का भी या 2 साल का भी पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब चूंकि 1 साल का आपका हो गया कितना, 365 रुपये इंटरेस्ट, तो जैसा कि हमने बताया कि 1 साल का साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी सेम ही होगा। अभी समझ जाएंगे कि क्यों सेम होगा, ये नहीं कि सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद कर लिया कि होता है तो होता है, लेकिन क्यों इसके बारे में आप जानेंगे। तो यहाँ पर 1 साल का ब्याज हो गया। अब देखिएगा अगर हम दूसरे साल का भी साधारण ब्याज निकालना चाहें, मतलब कि 2 साल का कितना होगा, तो जैसा कि हमने बताया कि 2 साल या 3 साल का जितना ब्याज निकालना हो तो यहाँ पर 365 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 साल का हो जाएगा। 3 साल का निकालना चाहे 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 730 रुपये। यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 730 रुपये, और 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 365 रुपये, और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 365 रुपये। अब यहाँ पर समझना कि आइए देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कि 1 साल बाद आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, तो आप जानते हैं कि 3,650 रुपये आपने उधार लिया था और इस पर ब्याज 10% दे रहे थे, तो कितना हो गया, 365 रुपये। तो ये कितना हो गया, 4,015 रुपये। तो 4,015 रुपये जो ये आपका है वो 1 साल बाद, यानी कि ये आपका मूलधन, ये आपका मिश्रधन हो गया। यानी इतना दोगे तो आपके पास जो कर्ज है और जो आपका ब्याज है सब मुक्त हो जाओगे, ये आपका इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है तब चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 1 साल का तो आप निकाल चुके, यही होगा। अब दूसरे साल का निकालने के लिए क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगने वाला है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तुरंत तो निकालेंगे कितना परसेंट है, 10। तो जितना अमाउंट है उसको तुरंत उस परसेंट से उड़ा कीजिए और तुरंत 100 से भाग कीजिए, दशमलव से दशमलव कैंसिल, यहाँ पर कितना है, 0 है, तो 4,01.5 हो जाएगा, ये 0 कैंसिल, दशमलव यहाँ पर। अगर आप दशमलव नहीं हटाना जानते हैं तो आप हमारी अपनी वीडियो देख सकते हैं, तो 401.5 हो जाएगा, आप ये समझिए कि 1 0 यहाँ पर। अब यहाँ पर 401.50 रुपये जो आपका आया निकल कर, ये दूसरे साल का कौन सा इंटरेस्ट है, कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज जिसको कहा जाएगा, क्योंकि इस पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगा, क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है 365 रुपये। तो अब यहाँ पर 2 साल में कितना रुपया हमें देना पड़ेगा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 4,000 आपका 15 रुपये तो 1 साल में ही देना पड़ा था, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 5 × 6 हो जाएगा, 1 आपका हो गया, 4 हो गया, यानी कि 14। यानी कि हमें 2 साल बाद अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जा रहा है तो कितना अमाउंट देना होगा, 4,416.50 रुपये। लेकिन अगर साधारण ब्याज देना हो, यानी कि साधारण ब्याज हमें इस अमाउंट पर लग रहा है और 2 साल बाद जितना अमाउंट हमें देना होगा तो वो कितना बनेगा, उसके बारे में आइए समझते हैं, तभी आप ये फर्क समझ पाएंगे कि कितना साधारण ब्याज उतने ही अमाउंट पर उतना ही प्रतिशत दर होगा तो कितना फर्क आ सकता है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि आपका 3,000 कितना है, 3,650 रुपये, और 2 साल का ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 730 रुपये, जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा,
सात छः तेरह तीन और यहाँ पर चार, यानी कि 730 रुपये जो आपका आया था और 3650 रुपये, तो यहाँ पर आपका आ गया 4380 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर दो साल बाद एक अमाउंट कोई है 3650 रुपये जिस पर 10% कर लिया जा रहा है, तो दो साल बाद अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जा रहा है तो 4416 रुपये 50 पैसे देने पड़ेंगे। अगर वही आपको देना पड़ रहा है साधारण ब्याज तो 4380 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने का फर्क आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए फर्क आ रहा है। अब ऐसे अगर 3 साल बाद जब जोड़ेंगे तो 365 यहाँ पर जो होगा उसको 3 से गुणा कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे तो 3 साल का साधारण ब्याज। लेकिन अगर 3 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो इस पर आप 10% निकालेंगे, फिर जितना आएगा इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि